यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए गोपाल दास जी को आज सम्मानित किया गया है मोज़ेक कंपनी फाउंडेशन अवार्ड में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फसल क्रांति में। गोपाल जी, कैसे आपने शुरुआत करी एग्रीकल्चर क्षेत्र में, आप कहाँ से हैं और आप अपना नाम बताएं। मैं नेटिव महाराष्ट्र जलगांव से हूँ और मेरी पढ़ाई महाराष्ट्र में हुई, उसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया, उसके बाद दिल्ली से PhD की। तो शुरू से ही मेरा लगाव कृषि से रहा है, मेरे पिताजी खुद कृषक थे और सॉइल साइंस डिपार्टमेंट IRM में जब शुरुआत की तो प्लांट न्यूट्रिशन पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की और वहाँ पर धान और गेहूँ इनके बारे में बहुत ज़्यादा ये क्रॉप्स है जो प्रिवेलेंट होते हैं, तो इनमें बहुत सारी दिक्कतें न्यूट्रिशन रिलेटेड होती है। तो सबसे सीधे साधे प्रयोग से लेकर सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का हम इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं हम खाद की योग्य मात्रा डालने के लिए, सो दैट पौधे कम से कम खाद में ज्यादा से ज्यादा उपज आए और हमारे एनवायरनमेंट को भी उसकी दिक्कत ना हो। जी सर, जैसे महाराष्ट्र से आप हैं तो क्या महाराष्ट्र की स्पेशलिटीज है फार्मर्स के लिए और कैसे काम किया जाएगा आगे महाराष्ट्र में किसानों के लिए? महाराष्ट्र में बहुत अलग अलग तरीके के क्रॉप्स लिए जाते हैं जैसे, और जिसमें खास करके शुगर केन, बनाना, कपास, ये सारी चीजें हैं और वहाँ की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है, पर वहाँ आने वाले चैलेंजेस जैसे सॉल्ट, मतलब इरिगेशन करने की वजह से सॉल्ट अगर आता है तो जैसे आज के प्रोग्राम में भी बताया गया, बायो फर्टिलाइजर एक टेक्नोलॉजी है जो मिट्टी को रिवाइव करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आगे वाले समय में हमें फर्टिलाइजर्स के साथ, मैन्यूर्स के साथ, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ बायो फर्टिलाइजर्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे, आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।